हाय एवरीवन, दिस इज़ पिया। स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल फाइंडिंग हैप्पीनेस विद पिया में। सो बिकॉज ऑफ माय ब्लाउज डिज़ाइन, मेरे पास कई सारे कमेंट्स आते रहते हैं कि मैं किस ब्लाउज़ के अंदर कौन सी इनर वेयर पहनती हूँ, या मैं बैकलेस के संग कौन सी ब्रा पहनती हूँ, मैं स्ट्रैपी ब्लाउज जो पहनती हूँ इनके साथ क्या पहनती हूँ, मैं कोरसेट के साथ क्या पहनती हूँ। तो इस टाइप के क्वेश्चन कई सारे पड़े हुए थे मुझे लगा क्यों ना इन सारे क्वेश्चनों का आज एक जवाब दे ही दिया जाए, तो मैं लेके आ गई आपके लिए वीडियो। ऐसा वीडियो मैंने इससे पहले कभी भी नहीं बनाया है इस वाले टॉपिक पे। मेरा ये फर्स्ट वीडियो मेरे इस वाले चैनल पे है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि मेरा जो मेन सबसे ज़्यादा पॉपुलर वीडियो जो मेरे हैं वो ज़्यादातर ब्लाउज डिज़ाइन वाले हैं। मेरा काम स्टाइलिंग बताना, डिफरेंट ब्लाउज की डिज़ाइन बताना आप लोगों को। तो ऐसे में ये वाला क्वेश्चन आज नहीं तो कल नहीं तो परसों मुझे कभी ना कभी फेस करना ही था कि किस ब्लाउज के अंदर मैं कौन सी इनरवेयर पहनती हूँ या कौन सी ब्रा पहनती हूँ। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं आज अपनी सारी शर्म को छोड़ के बैठ जाती हूँ आपको ये अतरंगी जवाब देने के लिए। इसे मैंने मुझे समझ में नहीं आया था मैं इसे किस तरह से आपके लिए ये वाला वीडियो बनाऊँ। तो मैंने क्या किया, इसे एक Q&A फॉर्म में बना लिया। मैंने कुछ क्वेश्चन तैयार किए अपने मन से कि हाँ ये क्वेश्चन आपके हो सकते हैं, फिर उनके आंसर मैंने दिए हैं। तो आई होप कि आपकी इससे कुछ हेल्प हो सकेगी। और चलिए फिलहाल तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या मैं पैडेड ब्लाउज बनवाती हूँ। आंसर है नो। एक्चुअली मैं पहले तो पैडेड ब्लाउज बनवाती थी, लाइक 3 या 4 ईयर्स मैंने बिल्कुल बंद कर दिए हैं, बिकॉज अभी इन दिनों मुझे ना ब्लाउज बहुत ही फ्रीक्वेंटली बनाने पड़ते हैं। एक साड़ी मेरे पास कम होंगी, ब्लाउज उससे ज़्यादा होंगे, इतने ज़्यादा ब्लाउज बनवाने पड़ते हैं मुझे। अब ऐसे में पैडेड ब्लाउज का जो खर्चा होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। आप लोग जानते हैं कि टेलर के पास चले जाओ और पैडेड ब्लाउज बोल दो तो कितना बेहतरीन वाला खर्चा लगता है उसका। तो मैंने इन दिनों पैडेड ब्लाउज बिल्कुल हटा दिए हैं, बिल्कुल मेरे कोई भी ब्लाउज आपको पैडेड नहीं मिलेंगे। आप अल्टरनेट ले लो, आप स्लीवलेस ले लो, आप कुछ कैसा भी ब्लाउज लो वो पैडेड नहीं मिलेगा आपको। ओके, निप्पल टेप या सिलिकॉन टेप जो है मुझे लगता है ये मेरे टाइप की चीज़ नहीं है। मुझे ऐसा लगता है जो हैवी ब्रेस्टेड गर्ल्स होती हैं ये चीज़ें उनके लिए इतनी ज़्यादा वर्क नहीं करती। निप्पल टेप जो है मुझे लगता है केवल वो निप्पल को आपके कवर करेंगे, वो पूरी आपकी ब्रेस्ट जो आपकी ब्रेस्ट है उसको कवर नहीं करेंगे। जबकि मैं ठहरी फुल कवरेज ब्रा पहनने वाली लड़की, तो मुझे लगता है कि वो मेरे टाइप की चीज़ नहीं है, इसलिए मैंने अभी तक वो यूज़ नहीं किया है। बट यस, कई सारी ड्रेस ऐसी होती हैं जिनमें बैकलेस होते हैं या कुछ ऐसी ड्रेसेस होती हैं जिनके संग वो काम करते हैं निप्पल टेप। बट अगेन मैं कहूँगी अगर आप 36 से अबव वाली गर्ल हैं तो निप्पल टेप या सिलिकॉन टेप ये जो है ये हमारे टाइप की चीज़ नहीं है। ओके, अगेन मेरा इस क्वेश्चन का आंसर भी है नो। ऐसा कैसे पॉसिबल है यार कि मैं इतने सारे अलग अलग ब्लाउज पहनती हूँ, इनकी डिफरेंट डिज़ाइन होती है और इन सबके साथ मैं डिफरेंट ब्रा यूज़ करूँ, कैसे पॉसिबल है? सबसे पहली बात, इतना पैसा कौन खर्च करे? दूसरी बात, इन्हें मैनेज कैसे करूँगी? तो मैं नहीं यूज़ करती हूँ वो वाली डिफरेंट ब्लाउज के संग ऐसी डिफरेंट ब्रा यूज़ कर सकती हूँ। सो बिग नो, अगेन बिग नो फ्रॉम मी। ओके, नाउ सबसे मेन क्वेश्चन, बैकलेस ब्लाउज के साथ क्या पहनती हूँ, स्ट्रैपी ब्लाउज के साथ क्या पहनती हूँ, कोरसेट ब्लाउज के साथ क्या पहनती हूँ, हॉल्टर नेक के साथ क्या पहनती हूँ, और भी कई अगर कुछ हो तो वो ऐड कर लीजिएगा। ऑनेस्टली आंसर दूँ सुन के चौंक जाओगे, लेकिन मैं कुछ नहीं पहनती हूँ। चौंक गए ना, सच में कुछ नहीं पहनती हूँ मैं। अब आप सोचोगे कुछ नहीं पहनती इसका मतलब है मैं अपने ब्लाउज पैडेड बनवाती हूँ? नो, देखिए ये मेरा हॉल्टर नेक ब्लाउज है, इसके अंदर कोई पैड कुछ भी नहीं है। ये देखिए बिल्कुल सिंपल सा ब्लाउज है, ये इसका फ्रंट, ये इसका बैक, आप कहीं से भी देख सकते हैं इसको, ये बिल्कुल सिंपल सा ब्लाउज है मेरा। ओके, ये भी मेरा ऐसे ही हॉल्टर नेक या नेट वाला ब्लाउज है। अगेन इसके अंदर भी कोई पैडिंग वगैरह कुछ नहीं है। अगेन ये मेरा वाइट ब्लाउज है, इसे आपने मेरा कई सारे वीडियो में देखा होगा, अगर इंस्टा पे फॉलो करते हैं तो रील्स में तो पक्का देखा होगा। इसके अंदर पीछे से ऐसा ये बैक लेस है, अगेन इसके अंदर भी कोई पैडिंग नहीं है। ओके, ऐसे ही मेरा ये नेट का ब्लाउज है, कोई पैडिंग नहीं है। ऐसे ये ब्लाउज है, ये ब्लाउज भी आपने मेरा देखा होगा, अगेन इंस्टा पे देखा होगा, रील बनाई है मैंने। अरे वाह, वेरी गुड, लंच फिनिश कर दिया आपने, इसमें इतना सब अच्छा है, खा लो बैठ के। इस वाले ब्लाउज में सामने से आपको नेट दिख रही है, पीछे से दिख रही है आपके पीछे इस तरह से, काफ़ी सारे चांसेस है जो भी ब्रा पहनोगे सब दिखेगी। तो मैं इनके साथ क्या करती हूँ, किसी में कोई पैडिंग नहीं है।
मैं क्या करती हूँ, सबसे पहली बात मैं बात करती हूँ वन शोल्डर की या फिर इस टाइप के कुछ ब्लाउज की जिनमें साइड में थोड़ी बहुत डिज़ाइन होती है, जिनका काम चल सकता है, वो वाले ब्लाउज की, लाइक दिस। ये वाला ब्लाउज मैंने आपको मेरे किसी ब्लाउज कलेक्शन के किसी वीडियो में तो दिखाया होगा, इसकी पिक्चर अटैच कर दूंगी मैं। तो इसमें इस तरह से यहाँ पे ये रिबन वाली डिज़ाइन है। अब जब हम इसे पहनते हैं तो ये यहाँ पे आता है और इसकी स्टेप पूरी दिखने की संभावना है। इसके साथ मैं क्या करती हूँ, इसके साथ मैं करती हूँ जुगाड़ वाले काम। लाइक हम लोग ने जैसे जो ब्रा पहन रखी है उसकी एक स्टेप है, उससे नीचे निकाल के ब्लाउज के ही अंदर ऐसे कैसे छोड़ देती हूँ। इससे क्या होता है, फुल सपोर्ट रहता है, क्योंकि एक कप तो हमारा पूरा है ही वैसा का वैसा, दूसरा भी फुल तरीके से रहता है, और स्टेप को पीछे पिन के हेल्प से मैं सिक्योर कर देती हूँ, तो ऐसा निकलने का भी कोई टेंशन नहीं रहता है। जितना जुगाड़ बन जाता है उतना कर लेती हूँ। इसी तरह से मेरा ये वाला ब्लाउज है, ये ऑफ शोल्डर ब्लाउज है अगेन, इसे भी मैंने अपने ब्लाउज कलेक्शन किसी वीडियो में दिखाया था। ये थोड़ा सा ऐसे ऐसा है, अगेन इसमें भी मैं जुगाड़ करती हूँ। अब इसके अलावा एक ब्लाउज मेरा और है, इंडिगो साड़ी के साथ का मैंने ये बनवाया था इस तरीके से। एक्चुअली मैंने कुर्ते का ब्लाउज बनवाया था, ये कुर्ता मेरा कभी और इसकी स्टोरी सुनाऊंगी। तो ये बैक से अगेन ये यहाँ से पूरा खाली है, यहाँ से इसके ब्रा दिखने फुल चांसेस हैं, बट कभी नहीं दिखती है, बिलीव मी कभी नहीं दिखती, नाचो कूदो खेलो घूमो कुछ करो कभी नहीं दिखती है। कारण क्या है, इतना सारा सब कुछ बैकलेस ले लो आप, नेट के ब्लाउज ले लो, कुछ भी ले लो, कहीं से कुछ नहीं दिखता है, क्योंकि मैं कुछ पहनती ही नहीं हूँ। तो फिर मैं क्या करती हूँ इनके साथ में, मैं करती हूँ कहाँ गए ओके मैं इनके साथ ये करती हूँ मुझे पता है आपको विश्वास नहीं होगा कि ये कैसे काम करते हैं, ये कैसे बचाएंगे, कैसे सिक्योर करेंगे सब कुछ चीज़ें, बताती हूँ मैं आपको। कुछ नहीं करना है, इन्हें सिंपली लेना है, आपको रख लेना है, उसके ऊपर अपना ब्लाउज पहन लेना है। अब आपको लगेगा कि यार अगर हम चले ये मिसप्लेस हो गया, ये गिर गया, तो ये कभी नहीं गिरता है। मैं तो इसको रेगुलर, मेरे कितने सारे ब्लाउज दिखाए हैं जो नॉन पैडेड दिखाए मैंने आपको, और मैं इनके संग रेगुलर यही यूज़ करती हूँ। मेरे पास ऐसे कई सारे हैं, वन सेकेंड, सो मैंने आपको जितने भी ब्लाउज दिखाए हैं इनमें किसी में पैडिंग नहीं है, मैं सिर्फ ये यूज़ करती हूँ। बिलीव मी एक बार मुझ पर विश्वास करिए, ये 30 रुपीज़ के केवल आते हैं, अच्छी मतलब बहुत अच्छी कुछ क्वालिटी के लोग शायद 50 या 60 के आते हैं, मुझे लगता है इससे अच्छा मुझे नहीं पता यार आते होंगे, तो मैंने क्योंकि मेरे पास इससे अच्छी क्वालिटी का कुछ नहीं है। वैसे भी हम लोग जो रेडीमेड ब्लाउज लेते हैं जो उनके संग पैड्स आते हैं वो इतनी थर्ड क्लास क्वालिटी के होते हैं, वो चुभते हैं, प्लस वो बिना किसी शेप के होते हैं। लाइक हमने 36 नंबर मंगाया है, लेकिन कई बार उनके अंदर 34 के कप्स डाल दिए जाते हैं, अब वो अलग ही कप अलग भाग रहे होते हैं, और हम समझ ही जाओ कि क्या ही होता है वो। तो उन सबसे बचने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है अपने जो साइज है उसके ऐसे कप्स मंगा लीजिए, मेरे पास ऐसे कई सारे हैं। इससे क्या होता है, सबसे पहली बात हमारे पैसे बच जाएंगे, ये जो इतने महंगे महंगे ब्लाउज सिलते हैं सबसे पहली बात उसके पैसे बचेंगे। सेकेंड, इतना ज़्यादा सपोर्टिव रहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं कि फुल कवरेज नहीं है, ये फुल कवरेज देता है। निपल टेप ले लो आप, सिलिकॉन टेप ले लो आप, बॉडी टेप ले लो आप, ये आपकी जो ब्रेस्ट सेगिंग है ये इसको नहीं बचा पाएंगे, बट ये बचा लेगा, ये आपको फुल कवरेज देगा। मैं 36 मेरा नंबर है, मैं 36 की होकर आपसे वाली बात कर रही हूँ, आप समझिए। मैं हर जगह मैं कई सारी रील्स वगैरह बनाती हूँ, मैं बिल्कुल ऐसे ही बनाती हूँ स्टिल, क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम सुना होगा, क्योंकि आपको लग रहा हो कि अरे मतलब पता नहीं वर्क करेगा नहीं करेगा। कई बार ऐसा होता है कि हम सुन के भी यकीन नहीं कर पाते हैं, ऐसा भी हो सकता है। मेरी बहन ही नहीं कर पाती है, मेरी बहन कहती है कि तुम दुपट्टे के साथ साड़ी पहनती हो, अगर हम पहन गए तो हमारी तो खुल जाए, इसलिए हम तो सिंपल साड़ियाँ पहनना पसंद करते हैं। बट करोगे नहीं तो कैसे सीखोगे। तो आपके लिए अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लगता है तो मैं एक काम और बताती हूँ, ऐसे कप से पक्का ला के रख लीजिए। अब कई जैसे ये वाला ब्लाउज है मेरा, ये ब्लाउज में इसमें कप्स आए नहीं थे, और ये पूरा पीछे से ऐसे बस सिर्फ डोरी है, पूरा फुल बैकलेस है ये ब्लाउज। अब इसमें मैंने ये कप्स ऐसे ला कर और अलग से ऐसे लगा लिए, ये देखिए ये इस तरह से लगा लिए, सिल लिए हैं अपने ही हाथ से, जो अस्तर है हमारा इससे बस ऐसे मोटे मोटे टाँके मार लिए हैं। कारण क्या है इसका, ये जो ब्लाउज है ये पीछे से इसके कोई सपोर्ट नहीं है, केवल डोरी का सपोर्ट है। गलती से डोरी खुल जाए या हम हमारी बॉडी यार हिलते डुलते डांस करते वो ढीली हो ही जाएगी, ऐसे में क्या होगा, इसके अंदर जो हमने ये कप लगा रखा है ये कहीं ना कहीं से गिरने के चांसेस हो सकते हैं, या फिर आगे पीछे होने के चांसेस हो सकते हैं, फिर बार बार हम ऐसे ऐसे करते रहें तो वो भी सही नहीं लगेगा। तो सबसे बेस्ट है कि मैंने इसको इस तरह से स्टिच कर लिया है। अब ऐसा नहीं कि मैं इसको हमेशा इसी तरह से रखती हूँ, फिलहाल तो रखा हुआ था क्योंकि अभी मैंने हाल फिलहाल में इस वाले ब्लाउज को पहना था, तो इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। तो आप ये कर सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है कि नहीं ये पिया वाले तरीके से तो हमारा काम नहीं बनेगा, हमें कुछ तो सिक्योरिटी चाहिए कि हमारा कप टिका रहे और हमें नॉन पैडेड ब्लाउज भी बनवाने, तो आप ऐसा ट्राई कर सकते हैं। एक और काम ट्राई कर सकते हैं आप, अगर आपको वो भी झंझट वाला काम लगता है कि यार इतना सारा कौन करे, इतना मतलब इतने सारे वो टाँके वाँके, हर किसी को इतनी स्टिचिंग नहीं आती है, मुझे भी नहीं आती है,
तो ये ब्लाउज है, इसकी पीछे फुल फुल बैकलेस है, ये नेट है पूरी 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 बैकलेस है। इसके अंदर मैंने उन्हीं वाले कप को सिर्फ एक एक टांका दिया है यहाँ पे बीच में, बाकी ये पूरा का पूरा बिल्कुल ऐसा खाली चारों तरफ से मैंने सिर्फ यहाँ पे एक टांका दिया है। एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए आपने यहाँ पे टांका दिया। अगेन ये ब्लाउज भी मेरा ऐसा है कि पीछे से पूरा बैक पूरा ही बैकलेस है, बिल्कुल कोई सपोर्ट नहीं है, केवल चैन है और नेट है। गलती से नज़र हटी, दुर्घटना घटी वाला काम हो सकता है, तो दुर्घटना से देर भली मैं थोड़ी सावधानी से काम लेती हूँ, इसलिए इन वाले ब्लाउज के संग मैं ऐसा कुछ अपने मन से घर पे ये कर लेती हूँ। इतना जुगाड़ तो करना पड़ेगा यार, पैसे बचाने हैं तो। और आपको भी यही सजेशन दूंगी कि इतना पैसा मत मिटाइए, बचाइए, जितनी हो सके जुगाड़ करिए। कुछ ऐसी जुगाड़ होती है ना जो हम लोग इंस्टा वगैरह पे देखते हैं, जैसे मेरा ये वाइट ब्लाउज है, इसकी पूरी पीछे की जो डोरी है ये पूरा बैकलेस है पीछे से, तो इसके संग मैं क्या करती हूँ, जो मेरा जो मेरी ब्रा होती है उसको खोल के ऐसे आगे उसके हुक लगा लेती हूँ। बहुत ज़्यादा वो काम नहीं करता सच बताऊँ तो, बहुत ही शेप टेढ़ा मेढ़ा सा हो जाता है, एकदम परफेक्टली काम नहीं करता जितना हमें इंस्टा की रील पर दिखाया जाता है, लेकिन काम चलाओ काम कर जाता है। क्योंकि जिन भी ब्लाउज का बिल्कुल ही बैक नहीं होगा, लाइक मेरे कप्स काम कर जाते हैं इस वाले ब्लाउज के संग, इस ब्लाउज के संग मेरे कप्स काम करते हैं बिकॉज इसमें बैक का सपोर्ट दे रखा है, यहाँ पे भी सपोर्ट है अच्छे से और ये यहाँ पे भी सपोर्ट है, तो इसमें मेरे कप्स बहुत अच्छे से काम कर जाते हैं। सेकेंड, आप थोड़ा सा फिटिंग का ब्लाउज सिलवाइए, बहुत ज़्यादा मैं बहुत लूज ब्लाउज पहनती हूँ इसलिए मैं फिर भी मेरे कप टिके रहते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी फिटिंग का ब्लाउज, हल्का सा भी फिटिंग का, तब तो समझ लो बिल्कुल बल्ले बल्ले हो गई आपकी। आज के बाद कभी कोई भी पैड वाला ब्लाउज आप नहीं सिलवाओगे इस वीडियो को देखने के बाद। अब ब्रा की बात करूं कि मेरे पास कितनी ब्रा है या मैं किस टाइप की ब्रा यूज़ करती हूं, तो मैं एक कॉटन की जो हमारी आती है जो पेरिस ब्यूटी की बहुत ही सिंपल सी बेसिक ब्रा आती है, वो एक तो मैं वो यूज़ करती हूँ रेगुलर के लिए। एक ये आजकल मैंने ये वायर्ड ब्रा ट्राई की है, इसमें ऐसे अंदर से वायर होता है ये इस तरह से सपोर्ट के लिए, जिन लड़कियों को ऐसे ब्रेस्ट फीडिंग करा करा के जिनको सैगिंग की प्रॉब्लम हो जाती है लाइक मी, तो उन लोगों के लिए ये वाली ब्रा जो है वो बहुत अच्छा काम करती है, ब्रेस्ट सैगिंग को थोड़ा सा लिफ्ट कर देती है हमारी ब्रेस्ट को, और काफ़ी सीमलेस एक तो सामने से ये, क्योंकि बिल्कुल ही इसमें कोई अलग से कुछ भी डिज़ाइन वगैरह कुछ नहीं है, ये इतना प्रिंटेड दिख रही है कुछ है नहीं, तो बहुत ही सीमलेस इफेक्ट आता है। तो यस, ये काफ़ी अच्छा काम करती है। ऐसी कुछ वायर्ड ब्रा एक दो लेके रख लीजिए, नॉर्मल हमारी टी शर्ट पहन रहे हैं हम, कुछ भी ब्लाउज पहन रहे हैं, देखिए ब्रा से पता नहीं चलता हम लोगों को, लगता है कि अरे ठीक है ना कुछ भी पहन लिया, लेकिन सच में ब्रा से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है हमारे ब्लाउज का ओवरऑल लुक का, पूरा लुक बदल जाता है एक में, मतलब ऐसे बस ऐसे और एक ब्रा कहाँ, मतलब बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। तो ट्राई कीजिए, एक आध वायर्ड ब्रा ले लीजिए, अगर स्पेशली अगर आप फीडिंग मदर हैं तब तो एक आध जरूर ऐसे ट्राई कीजिए आप। एक मेरे पास सिंपल सी ब्रा है जिसमें ट्रांसपेरेंट स्टेप भी साथ में होती हैं, ऑप्शन होती नहीं, अगर आपके साथ आती हैं तो आजकल मार्केट में कई सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, अलग से ले परचेस कर लीजिए उनको और लगा लीजिए, लेकिन मुझे वो ट्रांसपेरेंट स्टेप दिखती हुई बाई चांस ठीक है, किसी किसी ड्रेस के संग हर जगह वो नहीं अच्छी लगती हैं, तो मेरा तो मूल मंत्र बस यही है, हम दो हमारे दो। सोचा कि आपके साथ भी शेयर करूँ, इतना वियर्ड टॉपिक है, लेकिन लगा कि नहीं, क्योंकि ब्लाउज कलेक्शन का ज़्यादातर वीडियो मेरे जो पसंद करते हैं आप लोग, ज़्यादातर मेरी ब्लाउज डिज़ाइन के वीडियो पसंद करते हैं, ज़्यादातर मेरे चैनल से जुड़ी हुई लड़कियाँ साड़ी वाली हैं, तो यार आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो बनाना ही था, तो आज सारी शर्मो हया छोड़ के मैं बस बनाने ही बैठ गई। और भी ज़्यादा कुछ ब्रा नहीं, मेरे पास सिर्फ ये दो ब्रा हैं, अब इन्हीं के कलर्स हैं बस, रेड है, क्रीम है, हमारी स्किन कलर का जो क्रीम कलर होता है वो वाला कलर है, रेड है, पिंक है, मतलब इनके डिफरेंट डिफरेंट कलर, ब्लैक है, क्योंकि कई सारे ब्लैक आउटफिट के संग ब्लैक ब्रा ही सही लगती है, वाइट वगैरह पहनते तो अंदर से दिखती है, तो कलर्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी का लाइक जो होती जो स्ट्रैपलेस ब्रा होती है वो हो, क्योंकि कोई भी ब्रा, मैं आपको सच बता रही हूँ, मैं यूज़ कर चुकी इसलिए बता रही हूँ, कोई भी ब्रा 36 से ऊपर के अगर आप हो तो वो आपको सपोर्ट नहीं कर पाएगी, वो अल्टीमेटली आपको ऐसे 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 करवाएगी, तो जब वो ही करना है तो ये क्यों नहीं भाई, ये क्यों नहीं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आपकी कोई फ्रेंड, आपकी कोई ऐसी फैमिली मेम्बर ऐसी हो जिन्हें जिनके लिए वीडियो हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कितनी बार बोलो सब्सक्राइब कर दिया करो यार, और फ्रेंड्स और फैमिली के संग शेयर किया करो, नहीं तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हमारी फैमिली कैसे आगे बढ़ेगी। और मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।